Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. Subject code is KEC201T and here we are in lecture number 14 of unit number 1. So in the previous lecture basically we have started our special purpose diode जहाँ पे हमने बात की थी what is LED, किस तरह से light को emit करता है, क्या structure है, क्या working है, advantage, disadvantage, applications. Now, on the same way, हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वन नेक्स्ट डायोड दैट इज फोटोडायोड. क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ फोटोडायोड, व्हाट इज द ऑपरेशन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस, वन बाय वन. जैसे हमने एलईडी में देखा था, सेम यहाँ पे फोटोडायोड के बारे में बात करेंगे. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन फोटोडायोड. नाउ फोटोडायोड. So photodiode क्या है? Photodiode is a reverse bias silicon or germanium PN junction in which reverse current increases when the junction is exposed to light. यानी कि photodiode एक ऐसा डायोड है, यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं. Now there are incoming arrows are shown. So इसका मतलब है कि जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगा, राइट, जब लाइट इंसिडेंट ऑन पी एन जंक्शन डायोड देन इट इंक्रीज इट्स रिवर्स करंट, राइट. सो यहाँ पे फोटोडायोड एक ऐसा डायोड है जिसपे लाइट इंसिडेंट होने की वजह से आपका रिवर्स करंट इंक्रीज करता है when the junction is exposed to a light. तो अगर LED के कंपेयर में देखेंगे तो LED लाइट को एमिट कर रहा था, वहीं पे फोटोडायोड क्या है? फोटोडायोड लाइट इज एन इंसिडेंट पार्ट. तो जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगा देन इट्स रिवर्स करंट इंक्रीजेस, राइट. सो अगर मैं इसके ऑपरेशन की बात करूं, ये तो हो गया सिंपल व्हाट इज फोटोडायोड. सो इफ आई कम टू द ऑपरेशन पार्ट, जब आप फोटोडायोड को अपने सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो दिस इज द सर्किट जैसे हमने एलईडी को भी कनेक्ट किया था. सो व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट और यू कैन से लाइट इंटेंसिटी बहुत ही कम है, तो उस केस में वेरी स्मॉल रिवर्स करंट इज फ्लोन टू दिस, दैट इज नोन एज डार्क करंट, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोटोडायोड लगाया गया दिस इज इन रिवर्स कंडीशन. अगर आप देखें यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड, दैट मींस इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस सिचुएशन. सो जब रिवर्स बायस में है, हम यहाँ पे मान रहे हैं जब लो लाइट इंसिडेंट है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो उस केस में जो हम यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस इज नोन एज द डार्क करंट. At this time, अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, the resistance with no light incident is called the dark resistance and given by R is equal to this reverse voltage divided by this reverse current. यानी कि फोटोडायोड के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट. सो फोटोडायोड अब हम आगे देखेंगे एज एन एडवांटेज कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह काम करता है. क्यों? क्योंकि जब इस पे लाइट इंटेंसिटी हो रही है, लाइट इनकमिंग पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, ये अपने अक्रॉस करंट को इंक्रीज कर रहा है. सो करंट डिक्रीज या इंक्रीज होता है, ये प्रॉपर्टी हमारी रजिस्टर की होती है. तो फोटोडायोड एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है. दैट्स व्हाई आई हैव कैलकुलेटेड दिस रेजिस्टेंस आर ओवर हियर, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस फोटोडायोड एंड व्हाट इज द रिवर्स करंट अक्रॉस दिस फोटोडायोड. So when low light intensity, then इस reverse current को हम क्या बोल रहे हैं, dark current. तो यहाँ पे जो ratio है that is VR upon IY, where IY is called dark current. Now when the light is incident on the photodiode, अब क्या होगा, then the energy is transferred from the incident light. Incident light में क्या है, जी हाँ photons हैं जो कि हमारे इस PN junction को transferred हो जाएंगे. This will cause more free electrons or you can say more holes. These addition free electron will increase the value of reverse current. Basically due to the light incident क्या हो रहा है, जब light incident आ रही है तो इसमें हमारे free electrons मतलब जो हम atoms आ रहे हैं, photons आ रहे हैं ना additional, अब वो photons जो हमारे semiconductor के अंदर free charges हैं या आप कह सकते हैं stationary चार्जेस, हम उससे कोलाइड करेंगे. कोलाइड का मतलब कोलिजन होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो हमारे स्टेशनरी आइटम हैं वो भी मूव कर जाते हैं एंड दे ब्रेक देयर कोवलेंट बॉन्ड. तो जिस वजह से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिल जाते हैं, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दिस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट, राइट. अब अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो रिवर्स करंट भी इंक्रीज करेगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन इट बिकम मैक्सिमम व्हिच इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट. तो इफ आई प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन दिस, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है रिवर्स करंट वर्सेस इल्यूमिनेशन कर्व, कि दिस शोज द रिलेशन बिटवीन रिवर्स करंट एंड द इंसिडेंट लाइट, राइट. तो जैसे जैसे आपकी इंसिडेंट लाइट इंक्रीज कर रही है, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इल्यूमिनेशन इंक्रीज कर रहा है, देन आपका रिवर्स करंट भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो ये एक लीनियर रिलेशन है जिसे आप कह सकते हैं गिवन बाय द इक्वेशन IR इज इक्वल टू ME, वेयर M इज व्हाट, M इज द स्लोप ऑफ द लाइन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द फोटोडायोड. जी हाँ, जब लाइट इंटेंसिटी हो रही है तो कितना सेंसिटिव है वो, कितना फोटोडायोड उस लाइट को सेंस करके अपने रिवर्स करंट को इंक्रीज कर रहा है, दिस शोन बाय दिस particular factor M, that is called slope of the straight line or sensitivity of the photodiode. right? So this is the way why I say this कि this works as a variable resistor, क्योंकि जैसे जैसे आपकी light intensity यहाँ पे increase करेगी, इसके cross current की value increase कर सकते हैं या इसके cross current की value को decrease कर सकते हैं. If you remember last lecture में हमने LED की बात की थी कि LED के cross अगर मुझे current को limit करना है, so we will apply a series resistor. But अगर मैं अब series resistor की जगह suppose हम कहते हैं यहाँ पे एक photodiode को inbuilt कर लेते हैं, so photodiode भी यहाँ पे क्या कर रहा है? एक variable resistor का ही काम कर रहा है. तो यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू चेंज करेगा, लाइट इंटेंसिटी के बेस पे रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी, जिससे कि आपका जो करंट इसके क्रॉस पास ऑन हो रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी. बट ये मैं केवल एक जनरल वे में बता रहा हूं, ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं होती है, बिकॉज जो हमें एलईडी के लिए चाहिए फॉरवर्ड करंट चाहिए, जबकि यहाँ पे आपको रिवर्स करंट प्रोवाइड होता है. तो ऐसा मत सोचिएगा दिस इज वैलिड एप्लीकेशन, बट जस्ट एन एग्जाम्पल कि किस तरह से आपका लिमिट रजिस्टर वेरिएबल की तरह यूज होता है फोटोडायोड, राइट. So this is all about the operation and the characteristics of photodiode. अगर photodiode आता है लिखने के लिए तो you can write what is photodiode, what is its operation and how the reverse current increase on the basis of incident light. Now the next thing जो आप photodiode में लिख सकते हैं that is what is the advantage. So advantage सबसे पहली जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कि ये variable resistance की तरह यूज हो सकता है, highly sensitive है light के लिए and on off switching बहुत faster है. वहीं पे अगर मैं disadvantage की बात करूं तो temperature dependency है, चाहे वो characteristics की हो चाहे वो dark current की हो, and very very low efficiency hence amplification is required. यहाँ पे जो reverse current produce हो रही है वो बहुत ही low value की है, तो हमें amplification required होगा ही होगा, राइट. तो these are the advantages and disadvantages. वहीं पर अगर आप एप्लीकेशन की बात करो तो दे आर सम रिटन एज एप्लीकेशन पर्पस कि आप इसका यूज अलार्म सर्किट में कर सकते हो कि लाइट आपके इंसिडेंट हुई और उसके बेस पे आपने किसी फर्दर आगे जो सर्किट लगा है, जैसे अलार्म सर्किट लगा है तो आपने अलार्म को ऑन कर दिया, या आप काउंटर सर्किट में यूज कर सकते हो कि लाइट इंसिडेंट हुई उसके ऊपर हमने करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से अप हो गई, सो वो वहां पे वैल्यू को काउंट करना शुरू कर देगा कितने टाइम पीरियड के लिए. अब काउंटर की काउंट वैल्यू आपको ये दिखा देगी कितने टाइम पीरियड के लिए आपकी लाइट इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है, right. So these are some of the application of your photodiode. So after this I will confidently say कि अगर आपका photodiode के ऊपर question put up होता है, photodiode क्या है, what is the concept, what is the working, advantage, disadvantage, application, then you will easily write this attempt this question, right. Now in the next lecture हम लोग बात करेंगे on the same basis, that is the next diode, that is called tunnel diode. So बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं next lecture में. Thank you.